और अफगानिस्तान में तालिबान और एनआरएफ के बीच जंग जारी है। पंजशीर में तालिबान और नेशनल रेसिस्टेंस फोर्स की भिड़ंत हो गई। एनआरएफ के हमले में 15 तालिबान के लड़ाकों के मारे जाने का दावा है। अफगानिस्तान में एक बार फिर से आपसी संघर्ष तेज हो गया है। पंजशीर में पड़ने वाले शोतुल जिले के अरीजो घाटी में संघर्ष चल रहा है। इससे पहले एनआरएफ यानी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने बगलान प्रांत के खोश्त जिले में धावा बोला। सूत्रों के मुताबिक तालिबान को इसमें बड़ा नुकसान हुआ है। सूत्र बताते हैं कि इस हमले में तालिबान के 15 लड़ाके मारे गए जबकि 9 घायल भी हो गए हैं। हमला चरख वा फलक गांव में किया गया था। इसके बाद अंदराब और खोश्त में संघर्ष फिर से तेज हो गया है। संघर्ष रोकने के लिए कार्यवाहक रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने बगलान का दौरा किया। अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद भी स्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकी है। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट और तालिबानी लड़ाकों के बीच पंजशेर तखर बगलान क्षेत्र में लगातार संघर्ष चल रहा है। मई में भी एनआरएफ के हमले में तालिबान को बड़ा नुकसान पहुंचा था।